देयर इज वन गुड न्यूज, आई गॉट अ लिफ्ट। देहरादून से अगर आपको देहरी जाना होगा तो बसेस मिल जाएगी, यानी यहाँ पे जो बस रेलवे स्टेशन है देहरादून का, उसके बाजू में एक बस स्टैंड है जहाँ से पहाड़ों वाले एरिया में बसेस चली जाती है। लेकिन मैं तो फिलहाल लिफ्ट लेके ही जाऊँगा। आपको मन करे कि भाई नेचर्स कॉल आ गया, ऑफिस जाना है, इधर या इधर जाना है, तो यू कैन ऑलवेज प्रेफर द पेट्रोल पंप्स। यहां पे टेस्टिंग चल रही है। अरे बेटा मौज कर दी, भाई ने तो कोविड टेस्ट करा लिया। टेस्ट का रिजल्ट आ चुका है और पॉजिटिव चीज ये है कि मेरी रिपोर्ट नेगेटिव है। ट्रक्स तो चल रहे हैं इस रास्ते पे, लेकिन अभी तक लिफ्ट तो मिला नहीं। 9:45 बज गया, कोई ट्रक रुक जाए ऐसी अपेक्षा करते अपन। जो टर्न दिख रहा है यहाँ पे, थोड़ी छाव दिख रही है, यहाँ पे रुक जाता हूँ। यहाँ पे गाड़ियाँ रुकना थोड़ा सा डिफिकल्ट था, तो दैट्स वाई मैं यहाँ पे रुक जाता हूँ, सो दैट गाड़ियों को भी अगर रुकना होगा तो दे कैन स्टॉप। ये टिप याद रख सकते हो आप लोग की जब भी लिफ्ट लेना होगा तो टर्न पे ना खड़े रहो, टर्न से थोड़ा आगे खड़े रहो, क्योंकि गाड़ी जब टर्न होती है तो ड्राइवर टर्निंग के काम में बिजी रहता है। यार एक घंटे से लिफ्ट देख रहा था, लिफ्ट ही नहीं मिला। थोड़ा सा एक भैया ने गाड़ी पे लिफ्ट दिया बाइक पे। बाहर अभी बारिश रुक चुकी है, तो पूरा भीग गया हूँ मैं। ऋषिकेश से नरेंद्र नगर तक मैं बाइक पे लिफ्ट लेके आया, तो रास्ते में इतनी जोर जोर से बारिश है ना, पूरा भीग गया। यहाँ पे देखो, ये जो पूरी एक मार्केट लाइन जैसी बनी है, आगे चलते रहेंगे अपन जब तक अपने को लिफ्ट नहीं मिल सकता। तेहरी तेहरी जाना है अपने को, तेहरी जाना है। सो देर इज़ वन गुड न्यूज़, आई गॉट अ लिफ्ट। सो ये भैया थे, इन्होंने मुझे हाँ कहा है लिफ्ट के लिए, और बहुत ही पॉजिटिवली उन्होंने अच्छी तरीके से मुझे हाँ कहा है। थोड़ी देर भैया के कोई फ्रेंड आने वाले हैं, तो हम थोड़ी देर रुकते हैं यहाँ पे, फिर उसके बाद निकल जाएंगे। तो तब तक मैं ये नज़ारे का लुत्फ़ उठाता हूँ। व्हाट्स योर नेम भैया? मेरा अमित। अमित कहाँ से आप? मैं यहीं से हूँ, थोड़ा घूमने जा रहे हैं, आज छुट्टी है ना आज। तो आप तेहरी तक ही जाने वाले हो या फिर उससे भी आगे? चंबा एक दोस्त मिला था, फिर हम धनोल्टी की साइड घूमेंगे। ओके, मसूरी से फिर वापस जाओगे? नहीं मसूरी नहीं, वापस ही आएंगे, थोड़ा धनोल्टी की साइड जाके थोड़ा इंजॉय वगैरह करके फिर वापस। आज ही वापस आएंगे? आज ही। मैं आपके साथ जॉइन किया तो पूरा ट्रिप पर? हाँ हाँ बिल्कुल चलेगा, बिल्कुल बिल्कुल पक्का। देखो व्हेन यू गो फॉर ट्रिप यू गेट दिस टाइप ऑफ पीपल, सो यू ऑलवेज गेट गुड पीपल। भैया रेडी है तो फिर उनके साथ ही घूमूंगा मैं आज। आज सोचा कि तेरी जाता हूँ करके, चलो देखते हैं आपको टीरी घुमा देंगे। सो इट्स टाइम टू गो, निकलते। भैया के दोस्त भी आ गए। करंटली मैं हूँ इंडिया का लार्जेस्ट एंड टॉलेस्ट डैम, विच इज तेहरी डैम। तो ये इसका व्यू है, साइड में पूरा रिजर्वायर है, 260 मीटर। तो ये भैया लोग हैं जिनकी वजह से मैं यहाँ तक आ पाया। ये अरुण भैया, ये सन्नी, ये ब्लू वाले सन्नी भैया,
अमित अमित भैया हेलो भाई, सपोर्ट करना भाई को, अभिषेक को सपोर्ट करो। और इधर मैं महाराष्ट्र से आ रखे हैं घूमने यहाँ तो, वीडियो बनाने। अभी हमने डैम तो देख लिया, लेकिन भैया के दोस्त थोड़े आगे रहते हैं तो उनसे मिलने भी जा रहे हैं। ये भी एक डैम का व्यू है थोड़ा ऊपर से। वहाँ पे बोटिंग भी चलती है क्या भैया? हाँ चल तो रही है। कौन सा गांव है भैया? टिहरी के अंदर बुराड़ी। बुराड़ी, सो टिहरी के डैम के ऊपर जो टिहरी गांव है उसके आगे बुराड़ी करके गांव है, तो वहाँ पे वो फिलहाल में। So this is the view of Tehri Dam at night. आया देहरादून से ऋषिकेश, ऋषिकेश से चंबा होके हम गए थे टिहरी। तो अभी भैया का प्लान है कि हम रात को ही चंबा से जाएंगे धनौल्टी, और धनौल्टी से जाएंगे मसूरी, और मसूरी से जाएंगे देहरादून। सो दूसरे वाले रास्ते से हम वापस जाएंगे, ऐसे हमारा प्लान है नाइट वाला। अभी मॉर्निंग के 6 बज चुके हैं और हम फिलहाल है मसूरी में, मसूरी के करीब करीब वहाँ पर तो देहरादून 2 किलोमीटर है, मसूरी 4 किलोमीटर है। ये हमारे भैया रात भर घूम रहे हैं, इधर का नज़ारा इसको किस तरह का है। और यहाँ पे बहुत अच्छा व्यू आता है, लेकिन फॉग की वजह से पूरा वाइट वाइट दिख रहा है। तो कल सुबह जो लिफ्ट ली थी टिहरी डैम के लिए, वहाँ वो भैया लोगों के साथ में अभी तक हूँ, और फिलहाल हम घूम ही रहे हैं। रात को गाड़ी में थोड़ा सा रेस्ट किया और अभी भी मसूरी जाने का प्लान है, बाद में जाएंगे देहरादून। तो इस टाइप का था सफ़र। ठंड बहुत लग रही है इधर और बारिश की वजह से फॉग भी बहुत है, तो गाड़ी भी बहुत धीरे धीरे चलानी पड़ रही है। अगर मसूरी आ रहे हो तो थोड़ा मौसम चेक करके आना यार। तो अभी मैं जा रहा हूँ। थैंक यू सो मच भैया। महाराष्ट्र आओ कभी, ठीक है?